पूरे 4 साल 1 महीने के बाद एसर के फिल्म थिएटर में आने वाला है, वो भी लीड रोल में। 2018 में आई उनकी फिल्म जीरो फ्लॉप होने के साथ साथ एसर के भी के गायब हो गए थे, लेकिन बीच बीच में कुछ फिल्म में एसर के को कैमियो रोल करते हुए दिखा दी। ऐसे लग रहा है भाई 2018 लास्ट ईयर ही गया। 2 नवंबर 2022 अपने हैप्पी बर्थडे के दिन एसर के ने अपने आने वाले मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर रिलीज करवा दी है। इस टीजर में हमें ये देखने मिलता है पठान एक सीक्रेट एजेंट है और वो 3 साल से लापता है और सबको ये लगता है पठान मर चुका है, लेकिन पठान तो जिंदा है। और ये टीजर टोटली एक्शन पैक है और इसमें बहुत सारे ओवर द टॉप एक्शन देखने मिलेगा। 1 मिनट 50 सेकंड के टीजर में सभी कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन देखने मिलते हैं और साथ में घोषबम वाला एक्शन ट्रिपल सीन, चाहे ग्लाइडर वाला सीन या फिर बाइक स्टैंड या फिर ट्रैक के ऊपर जो फाइट वाला सीन या फिर प्लेन वाला सीन, ओवरऑल ये फिल्म टोटल एक माल मसाला एक्शन फिल्म। लेकिन एक बात की डर है जो एसर के हर एक फिल्म में हमें दिखाई देता है, वो दीपिका के साथ इनका लव एंगल यार, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दीपिका का फाइट सीन भी अच्छा खासा दिखाई। और वही जॉन अब्राहम का ज्यादा डायलॉग तो नहीं है लेकिन एक्शन सीन में मस्त लगा है और उसका ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है भाई किसी सुपर हीरो से कम नहीं है लेकिन सुपर विलेन हो सकता है। यशराज बनर के ये फिल्म हॉलीवुड के मार्वल और डीसी की तरह मल्टीवर्स के स्पाई यूनिवर्स के 4th मूवी होगी। एक था टाइगर जिंदा है और वॉर फिल्म के बाद ये 4th स्पाई फिल्म है और स्पाई के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन सभी को हमें एक साथ में देखने मिलेगा। इस फिल्म में ऋतिक और सलमान खान का कैमियो देखने मिलेगा और सबसे बड़ी बात इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलेगा जहां पर इन सभी को कनेक्ट रहेगा। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म का डायरेक्टर है तो इस फिल्म में आपको वॉर और टाइगर जिंदा है जैसे फिल्म के वाइब देखने मिल रहा है क्योंकि ये सभी फिल्म आगे जाकर ज्वाइन होने वाला है एक दूसरे। सिद्धार्थ आनंद के नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फाइट जिसमें आपको ऋतिक और दीपिका पादुकोण होने वाला है और ये फिल्म 2024 में रिलीज होगा। ओवरऑल पठान टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया लेकिन इसमें एक्शन और छोटे छोटे क्लिप जो बहुत सारे हाइप क्रिएट करता है। कोविड के बाद बॉलीवुड पर जो गलत इल्जाम लगते आ रहा है ये फिल्म उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। मैं एसर के का बहुत बड़ा फैन हूँ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत कुछ होगा, लेकिन जो भी होगा होगा नहीं तो इसका विपरीत होगा और जो कुछ भी होगा वो फिल्म रिव्यू में बात करेंगे क्या क्या हुआ। और अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, दोनों का भला होगा। और अभी तक पठान टीजर में अपने कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कॉमेंट कर दो, मेरा अंदर थोड़ा मोटिवेट बढ़ता रहेगा। फिर मिलेंगे ना अगले वीडियो में मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय प्लीज।